परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज व श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के मार्गदर्शन में पतंजलि ने ऊर्जा के क्षेत्र में भी दो कदम बढ़ाते हुए सूर्य से प्राप्त होने वाली अनंत ऊर्जा स्रोत के विभिन्न उपकरणों का निर्माण आरंभ कर दिया है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में स्थापित इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सोलर पीवी पैनल्स, सोलर स्ट्रीट लाइट्स, सोलर वाटर पंप्स, सोलर इन्वर्टर, सोलर बैटरी व सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट्स आदि का उत्पादन किया जा रहा है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट द्वारा उत्पादित विभिन्न उत्पादों को गत 13 सितंबर को दिल्ली में लॉन्चिंग कर अनेक उद्देश्यों को एक साथ साधा है। इस सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शुभारंभ के लाभ: डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से मुक्ति, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना, रुपए के अवमूल्यन की रोकथाम, पर्यावरण की सुरक्षा, अक्षय, सस्ता व अनंत ऊर्जा का स्रोत, ग्रामीण ऊर्जा संकट का निवारण, रोजगार के अनेक अवसर, उज्ज्वल, प्रदूषण मुक्त व समृद्ध भारत का निर्माण। पूज्य स्वामी जी महाराज स्वदेशी के पूरक माने जाते हैं और पतंजलि ब्रांड के अंतर्गत निर्मित उपकरणों के उत्पादन से भारतीय बाजार में विदेशी उपकरणों, विशेषकर चाइनीज उपकरणों के दखल को कम करेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करेगा। पूज्य स्वामी जी महाराज ने स्वयं इन संयंत्रों के निर्माण, गुणवत्ता, मूल्य तथा उपलब्धता को तय किया है, जिससे कि ये आधुनिक उपकरण भारत के प्रत्येक गांव तक सुलभता से प्राप्त हो सके। ग्रेटर नोएडा में स्थित ये निर्माण इकाई विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप है तथा पूरी तरह ऑटोमेटिक होने के साथ साथ उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए जानते हैं इस मेड इन भारत के अनंत ऊर्जा स्रोत संयंत्रों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। आज हम बात करेंगे पतंजलि सोलर एनर्जी का पूरा जो प्लांट और प्रकल्प है इसके संदर्भ में। जो श्रेष्ठतम हमने प्लांट बनाया है सोलर रिन्यूअल एनर्जी का, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और पतंजलि ने दो कदम आगे बढ़कर के क्या आपको नया दिया है, आज इस पूरे एपिसोड में आप देखेंगे पतंजलि सोलर एनर्जी का पूरा प्लांट और उसके आपके जिंदगी में क्या मायने हैं, क्या लाभ। सूर्य अनंत ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए पतंजलि सोलर एनर्जी का हमने टैगलाइन ही रखा है अनंत ऊर्जा स्रोत। और इस सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पतंजलि एक नया विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, और जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं,
और जितना ज़्यादा डीजल और पेट्रोल हम और कंज्यूम करेंगे उतना ही हमारा इम्पोर्ट बढ़ता है, हमारे भारत के मूल्य का अवमूल्यन होता है, हमारी करेंसी की जो इज्जत है, रेस्पेक्ट है, उसका मूल्यांकन वो कम होता चला जाता है। एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, इम्पोर्ट हमारा घटना चाहिए। हमारे देश की प्रोडक्टिविटी सभी दिशाओं से, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हेल्थ, एजुकेशन, सर्विसेज, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सब जगह जितना जितना ज़्यादा हम उत्पादकता बढ़ाते जाएंगे उतनी उतनी हमारी जीडीपी बढ़ेगी, उतनी उतनी हमारी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, उतनी उतनी हमारी समृद्धि बढ़ेगी, हमारा सरप्लस होगा, डेफिसिट कम होगा, उतना उतना हमारा रुपये मजबूत होगा डॉलर, पाउंड, यूरो आदि के मुकाबले। हमें एक परम वैभवशाली राष्ट्र बनाना है तो हमें सभी दिशाओं से देश को उन्नत बनाना है। तो पतंजलि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के नेतृत्व में। इस कार्य में एक बड़ा उत्तरदायित्व निभा रहे हमारे भाई सुधीर गर्ग जी, जो पतंजलि परिवार से लगभग 30 वर्षों से जुड़े हुए हैं। तो सुधीर जी, पतंजलि का यह सोलर एनर्जी का जो पूरा प्रकल्प है, यहाँ दूसरे जितने भी सोलर एनर्जी के क्षेत्र में कंपनियाँ काम कर रही हैं उनसे अलग कैसे है, इसमें क्या विशेषताएं हैं और इसको हम कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, इस संदर्भ में थोड़ा प्रकाश डालिए। चरण वंदन स्वामी जी, परम श्रद्धेय आचार्य जी के मार्गदर्शन से हमने यहाँ पर लेटेस्ट रोबोटिक ऑटोमेटिक वर्ल्ड क्लास मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है स्वामी जी, जिसमें हमारे हाई एफिशिएंसी सेल्स रॉ मटेरियल एज पर इंटरनेशनल नॉर्म्स के द्वारा यूज़ होते हैं। इसमें सबसे बड़ी एक उपलब्धि है स्वामी जी, हम जो एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें जो हमारे QR कोड आधारित, जो कि ब्लॉकचेन पर टेक्नोलॉजी पर आधारित है, सारे हमारे प्रोडक्ट्स वो उस लेबल लगेगा उन पे, जिससे कि कस्टमर को उसकी ओरिजिनल, उसकी जेन्युइननेस की गारंटी मिलेगी कि असली है या नहीं। हाँ, असली है और कोई काउंटरफिट नहीं बना सकता, क्योंकि कहीं भी वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिस्टर्ब करेगा, जैसे ही वो बनाएगा तो ब्लॉकचेन वो डिस्टर्ब हो जाएगी और वो हमें पता लग जाएगा। और इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि कस्टमर को वारंटी के लिए अपने बिल रखने की जरूरत नहीं होती, वारंटी सेटिस्फेक्शन रहेगा उसको। कितने दिन की वारंटी दे रहे हैं हम इसे? हमारे पैनल्स 25 साल की परफॉर्मेंस गारंटी, 25 साल तक कोई परफॉर्मेंस बिल तो संभाल के रख नहीं सकता। बिल्कुल। तो वो जो आप इसके अंदर लेबल लगाएंगे वो कितने दिन टिकेगा? वो पूरा टिकेगा जी, उस पर पूरे ना बारिश का कोई असर होगा ना कुछ होगा, मौसम के हिसाब से पूरा बनेगा। कोड QR कोड लगा रहे हैं जी सर जी, वो जो है 25 साल तक 30 साल तक टिका जी महाराज जी। ठीक। तीसरा इसका बेनिफिट QR कोड का ये है कि इसमें सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल होंगी। आज के टाइम में क्या है, लोग लिखते कुछ है पर एफिशिएंसी कुछ निकलती है, तो कस्टमर को उसको स्कैन करके, ऐप आधारित है ये, ऐप से स्कैन करके और उसको पूरा उसकी डिटेल्स मिल जाएगी, कस्टमर उस प्रोडक्ट की डिटेल हमारी, ना सिर्फ पैनल के, हमारे जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सभी में उसकी डिटेल्स मिल जाएगी, साथ साथ दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी भी डिटेल्स मिल जाएगी। और तीसरा ये है कि अपना फीडबैक भी दे सकता है कि कैसा है उसमें, क्या अपना उसको कुछ सुधार लगता है, कुछ भी है वो अपना फीडबैक देख सकता है उस ऐप के जरिए। और साथ साथ हम, हमारे लिए भी बेनिफिट ये है कि हम कोई भी प्रमोशनल स्कीम्स देते हैं कस्टमर को, तो वो उस ऐप के जरिए हम प्रमोशनल स्कीम दे सकते हैं। और आपका मार्गदर्शन आचार्य जी ने कहा था कि हम इसको अपने दूसरे FMCG प्रोडक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ये एक QR कोड बहुत छोटा सा है और किसी भी चीज़ पर लग सकता है ये। तो QR कोड के जरिए एक तो इसकी कोई डुप्लीकेसी नहीं होगी और इसकी जो एफिशिएंसी उसको पूरा पता लगा सकेंगे जी। और साथ ही साथ आपको जो वारंटी के लिए बिल संभाल के रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो 25 साल तक आप बिल संभालते रहो तो उस QR कोड के जरिए ही 25 साल तक आपको वारंटी देगा पतंजलि। और दूसरी कंपनियों से बेहतर प्रोडक्ट और वह भी जेन्यून जो है किफ़ायती मूल्यों पर। और खाली हम सोलर पैनल खाली फैक्ट्री के लिए या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के लिए, जैसे लोग
बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पानी गर्म करने के लिए, वहाँ जो है मशीनें चलाने के लिए और सोलर एनर्जी जनरेट करने के लिए पैनल्स का यूज़ करते हैं। हम किस किस तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसके संदर्भ में भी आपको जानकारी देते हैं। स्वामी जी, जैसा कि आपके और आचार्य श्री के मार्गदर्शन में हम गांव-गांव तक पहुंचना है, हमें आज के 70 साल की आज़ादी में भी हम लोगों को गांव-गांव तक बिजली नहीं पहुंचा पाए हैं, तो हम सोलर पैनल के माध्यम से सस्ती बिजली 25 वर्ष तक उनको मुफ्त में बिजली मिलेगी। बिल नहीं भरना स्वामी जी। इसमें हम सोलर पंप्स के जरिए किसानों को आज के टाइम में पानी की बहुत दिक्कत होती है, या तो बिजली नहीं मिलती, और जब सरकार मुफ्त में बिजली देती है तो वो पानी का दोहन होता है, उसमें पानी चलता रहता है, वो पंप खुला रहता है, तो हम जल संरक्षण में भी इसमें हमारे को सहयोग मिलेगा। तो एक तो सोलर पंप हो गया जी महाराज जी, और सोलर स्ट्रीट लाइट्स भी हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट हो गई जी महाराज जी, और हम छोटे छोटे किट्स बना रहे हैं ताकि गांव के या बड़े जो उपमहानगर हैं वहां पर भी हम होम लाइट सिस्टम, आपके पतंजलि होम लाइट सिस्टम के नाम से। माने अब लोगों को एक तो सरकारी जो बिजली आती है लाइन कट जाती है वो दिक्कत नहीं होगी जी महाराज, और दूसरा घर में जनरेटर लगाते हैं फिर छोटे छोटे, उसमें डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है जी महाराज, उससे भी बचाव होगा। दिन में तो वो डायरेक्ट बल्ब आदि जल जाएंगे, मशीन चल गई और सोलर पंप चल गया, रात को उसको स्टोर कैसे करेंगे? महाराज जी, बैटरी है हर एक, अभी तक तो क्या था कि बैटरी लगने से कॉस्ट, उन बैटरी की लाइफ 3 साल के आसपास होती थी, तो हर 3 साल बाद उनको एक मोटा खर्चा करना पड़ता था, तो अब एक बैटरी ऐसी आ गई है जिसको हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ हम लगा देते हैं, इन्वर्टर लगता है इसमें साथ में, तो हाइब्रिड इन्वर्टर ऑप्टिमम यूज़ करता है बैटरी का, क्योंकि बैटरी की लाइफ चलती है चार्जिंग डिस्चार्जिंग के हिसाब से, जितना चार्जिंग डिस्चार्जिंग आ जाता है उतनी लाइफ कम होती चली जाएगी। इस इन्वर्टर के साथ हमारी बैटरी जितनी ऑप्टिमम यूज़ होगी, जितनी चार्जिंग होगी, वो अगर ग्रिड से आ रही है सप्लाई तो ग्रिड से चार्ज हो जाएगी, सोलर से पहले वह होता है सोलर से चार्ज होएगी, तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग कम हो रहा है और बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है। कितनी ज़्यादा होगी बैटरी की? बैटरी की लाइफ 6 साल कम से कम हो जाती है। तो पहले लगभग 2.5-3 साल की जो आयु हुआ करती थी उसकी, वो बढ़ करके 6 साल हो जाएगी, तो 5-6 साल एक लगभग दुगनी आयु होगी बैटरी की, ये भी अच्छी बात है। और जो है इसमें आगे मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, व्हीकल हैं, उनको भी लोग सोच रहे हैं कि अब ये सोलर पर कन्वर्ट हो जाएं, तो हम डीजल और पेट्रोल की महंगाई की मार से बच सकते हैं, तो इसमें हम क्या सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं? स्वामी जी, आज के टाइम में वर्ल्ड वाइड रिसर्च चल रहा है और आप जानते ही हैं कि सब जगह ई व्हीकल्स है, चाहे वो रिक्शा हो गई चाहे कार्स हो गई, वो काफ़ी यूज़ हो रही है और रिसर्च चल रही है। रिक्शा तो यूज़ होने से, रिक्शा तो हो ही रही है, हिंदुस्तान में भी काफ़ी हो रही है, कार हैं, टू व्हीलर्स हैं, ये अब दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे इनके, और सब जगह सबको बैटरी ही चाहिए, जिसको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इक्विपमेंट्स हम डेवलप करके सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। स्वामी जी, आपके मार्गदर्शन से हम इसमें ऑटोमोटिव बैटरीज, ईवी चार्जर्स और ई रिक्शा बैटरीज, जिन पे हमारा स्ट्रेस रहेगा और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से होंगी, कि उसमें ना तो हम बैटरी की कॉस्ट ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि आज के समय एक ये भी चैलेंज है कि बैटरी की कॉस्ट किस तरह से कम करी जाए और ऑप्टिमम चार्जिंग हो जाए, ताकि जितनी आपको एक दिन में, अगर मान लो किसी को शहर में चलना है तो 90 किलोमीटर या 80 किलोमीटर या 100 मीटर की चार्जिंग हो जाए और फास्ट चार्जिंग हो, कि उसको ये नहीं कि 2 घंटे तक चार्जिंग करना है, तो 15 मिनट में, 2 मिनट में, 4 मिनट में ऑप्टिमम चार्जिंग के हिसाब से उसकी बैटरी डिज़ाइन की जा रही है। 80 किलोमीटर चलना है यदि किसी को, ई रिक्शा ले रखे लोगों ने और वो पतंजलि का ये सोलर सॉल्यूशन लेते हैं जी महाराज, तो वो 80 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितनी देर चार्ज करना पड़ेगा? अभी ये हो गया कि 15 मिनट से आधा घंटे तक में आप 80 किलोमीटर, सुबह सुबह अपना निकले बिल्कुल, तो आधा घंटा तो चार्ज करने के लिए समय निकाल ही सकता है, कि सुबह वो 7 बजे उठा जी, 6 बजे उठा, क्योंकि रात को 12-12 बज जाते हैं लोगों को, तो सुबह वो जब निकला तो आधा घंटे उसने चार्ज कर लिया जी, तो वो 80 किलोमीटर तक चला करके फिर यदि आवश्यकता पड़े 80 किलोमीटर और चलाने, तो दोबारा आधा घंटे में चार्ज कर सकते। एक इसमें महाराज जी एक चीज़ ऑप्शन और है हमारे पास, अभी हम उसको भी जल्दी ही ले आएंगे, फ्लेक्सिबल पैनल, जो कि ई रिक्शा के छत पे भी लग सकता है और थोड़ा सा गाड़ियाँ अगर स्ट्रीमलाइन हो जाए तो गाड़ी कार्स की छत पे भी लग सकती है वो, तो फ्लेक्सिबल पैनल, फिर उसको दिन भर चार्ज कर लिया तो दिन भर, महाराज जी जी जी,
ये प्रॉब्लम ही खत्म हो गई कि गाड़ी को कहीं रोक करके चार्ज करना है, रिक्शा को कहीं रोक करके चार्ज करना है जी महाराज। तो वो दिन भर चाहे 100 किलोमीटर चले, 200 किलोमीटर चले, यात्रा के दौरान भी कंटिन्यू वो चल सकता है। और नाइट के समय चला तो वो चार्ज हो गया, तो दिन छिपने के बाद भी वो जो है जी महाराज 60-70-80 किलोमीटर चल सकता है जी महाराज। अभी जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, गरीब लोग हैं, जो ई रिक्शा जिन्होंने ले रखा है, वो उनको रात भर चार्ज करना पड़ता है, तब जा करके उनका रिक्शा 70-80 किलोमीटर चल पाता है। पतंजलि ये सॉल्यूशन लेकर के आया है, तो इसमें आधा घंटे में उसका जो है ई रिक्शा चार्ज हो जाएगा। और आगे हम कोशिश करेंगे कि उसके छत के साथ ही हम उसको लगा दें सोलर पैनल को, तो दिन भर चार्ज होता रहेगा उसको, चाहे वो 200 किलोमीटर चलाए चाहे 500 किलोमीटर चलाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रात को जब चलाना होगा तो वो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैटरी जो है जो प्रिजर्व करके रख लेगी एनर्जी को, तो रात के समय भी 80 किलोमीटर तक चल सकता है। बैटरीज में भी सोलर बैटरी का हम विकल्प दे रहे हैं, इसके संदर्भ में भी थोड़ा सा बताएंगे महाराज जी। सोलर बैटरी तो बिल्कुल है ही, अभी जैसे आप सभी देखते हैं कि सभी ऑटोमोबाइल्स में, चाहे वो ट्रक हो, कार हो, सभी जगह ऑटोमोटिव बैटरी लगी होती है। तो ये भी एक हम उसमें एक नई तरह की टेक्नोलॉजी ला करके ऑटोमोटिव बैटरी भी आपके मार्गदर्शन में हम इसका भी करेंगे। सोलर बैटरी होगी हमारी, ऑटोमोटिव बैटरी होगी, ई रिक्शा बैटरी होगी, अपनी लिथियम बैटरी होगी, तो इसमें जितनी भी हम टेक्नोलॉजी लेटेस्ट ला सकते हैं वो पूरी रेंज लाएंगे पतंजलि के ब्रांड नेम में, जिससे कि लोगों को एक अच्छा उत्पाद मिले और लाइफ सस्ती कीमत हो और लाइफ अच्छी हो। पतंजलि के सौर ऊर्जा का ये प्रकल्प कैसे आप तक पहुंचेगा, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, माने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होगा, फैक्ट्री से लेकर के आपके स्टेट तक और आपके ज़िले और आपके तहसील, आपके घर तक पतंजलि के ये सोलर एनर्जी सॉल्यूशन के ये जो पूरे पैनल्स हैं या जो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, पतंजलि सौर ऊर्जा के जो पूरे प्रोडक्ट्स हैं, ये आप तक कैसे पहुँचेंगे, इस संदर्भ में भी आपको थोड़ा प्रकाश डालते हैं। अभी हमने सभी स्टेट्स के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर निर्धारित करेंगे, सब वो डिस्ट्रीब्यूटर अपने डीलर्स को, सिटी वाइज डीलर्स को देंगे माल, और फिर डीलर्स वो गांव तक पहुंचाएंगे सब जगह, ताकि कहीं भी कोई किसी चीज़ को इसी ये सर्विस में भी काम आएंगे और हम इनको प्रोडक्ट बेचने में भी काम आएंगे। एक हमारा स्वामी जी उद्देश्य है आपके मार्गदर्शन से कि हम एक ऐप आधारित एक योजना बनाएंगे, जिसके तहत जिसको भी चाहे वो माल खरीदना हो या कोई सर्विस कोई प्रॉब्लम हो, तो उस ऐप के जरिए हम पतंजलि सौर केंद्र बना रहे हैं सब जगह। उस सौर केंद्र से वो उस कॉल को अटेंड करेगा, वो नियरेस्ट लोकेशन जिसने अपनी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो खरीदने की चाहे वो कंप्लेन की, वो ऐप दबाएगा और नियरेस्ट जो भी पतंजलि सौर केंद्र होगा, ऊर्जा केंद्र होगा अपना, वो जाएगा उस कॉल को अटेंड करेगा, उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको दूर करेगा या उसको कोई रिक्वायरमेंट है वो समझ करके उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। सोलर पैनल्स हमारे दो साइज में होते थे, छोटे पैनल्स बड़े पैनल्स, 5 वाट से लेकर के 150 वाट तक छोटे पैनल की कैटेगरी में आते हैं और 200 से लेकर के 350 वाट तक बड़े हैं। ये सारी रेंज हम हैं अब उपलब्ध है हमारे पास, और इनकी सर्टिफिकेशन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में के नॉर्म्स है उसके हिसाब से हमारा काम प्रोसेस में है, जो कि सारी चीज़ें ताकि हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट को मीट आउट कर सकें। पतंजलि स्ट्रीट लाइट में इंटीग्रेटेड सिस्टम है पूरा, बैटरी अंदर ही रहती है, चोरी होने का डर नहीं रहता है, रिमोट सेंसिंग सेंसरिंग सिस्टम के हिसाब से अपने आप बंद हो जाती हैं, और काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है और बहुत एफिशिएंट है। इसमें इस तरह की डिज़ाइनिंग है कि ये ऑटो डिमिंग हो जाती, कोई नहीं होता है तो, और बैकअप जो है बैटरी का वो 2 दिन का है। पतंजलि की सोलर पैनल, इससे अब किसानों का ट्यूबवेल भी चलेगा, स्ट्रीट लाइट भी चलेगी, घर में आपके घर की लाइट भी चलेगी, अब आपको हर महीना बिल नहीं भरना पड़ेगा, आप अपने घर में एक सोलर पैनल लगा लीजिए और ये बैटरी के अंदर उस एनर्जी को प्रिजर्व कर लीजिए, आपके घर की ज़रूरत पूरी होगी, खेत की ज़रूरत पूरी होगी, और इंडस्ट्री में भी पतंजलि के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जहाँ पर कई कई मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी लगती है, उसकी भी पूर्ति अब इन सोलर पैनल से, और ये जो सारा हमारा सोलर का सॉल्यूशन है, सूर्य ऊर्जा का, सूर्य अपने आप में अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, उसके द्वारा आपकी ये ज़रूरतें पूरी होंगी। और वह अभी स्वदेशी के संकल्प के साथ, क्योंकि सोलर पैनल्स में भी
चाइना का बहुत बड़ा कब्जा है और चाइना किस तरह से भारत के साथ अलग अलग प्रकार की धूर्तताएँ करता है, कभी भारत की सीमाओं में घुस जाता है तो कभी वह हमको अलग अलग प्रकार से धमकियां देता है। देश की 50 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पर जो कब्जा है उसमें 20 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पर तो अकेला चाइना का कब्जा है। तो इस देश को उस आर्थिक गुलामी से बचाने की दिशा में पतंजलि के सोलर पैनल और ये सोलर सॉल्यूशन अपने आप में एक बड़ी भूमिका निभाएगा।